गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। ये लाइन आज 3 दिन बाद हो रही है, और कल भी हम लोग जल्दी थे, मतलब ठीक टाइम पर उठ गए थे, मगर आज लेट हो गए हैं और आज बहुत ज़्यादा जल्दी में है यार। और रूम की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, मगर इसको आकर देखेंगे यार। अभी एक पानी की बोतल ले लेते हैं पहले साथ में, क्योंकि फिर आगे जाके पानी मिलेगा नहीं, दिक्कत होगी। निकलते हैं, ऑलरेडी 5 कॉल आ चुके हैं अब तक सुबह से। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अभी हम लोग फाइनली रूम से अपने निकल रहे हैं और जाकर नीचे देखते हैं। मैंने बहुत कॉल कर दिए हैं ऑलरेडी यार हम लोगों को, सो जाकर अभी देखते हैं क्या सीन है वहाँ पर। भाई आज ब्रेकफास्ट भी यार क्या नीचे पहुंचा मैं, मुझे देख के शक हो गई। करिए अभी आप यहाँ हैं, अभी आप निकले नहीं है। कोई नहीं, मैंने बोल दिया मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आज। अब कोई नहीं यार, अब हो गया तो हो गया, अब क्या करूँ। तो यहाँ से पहले थोड़ा सा जूस लेते हैं यार। अरे भैया थोड़ा जूस ले लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाकी मैम ने भी बोल दिया है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए, आपकी वाली नीचे आपका वेट कर रही है। अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो मैं जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ। नाइट में जो यहाँ से अब लाइटिंग दिखाई दी आपको कल, और ऊपर से जो पुल के पास से दिखाया था, वो ये नज़र आया पूरा ऊपर से या नीचे का। भाई ब्रेकफास्ट हो चुका खत्म, निकलते यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। हम जाकर फिर जल्दी जल्दी आगे का सीन देखते हैं क्या है क्या नहीं। अरे खुल गया यार, थैंक यू भैया, बहुत जल्दी आ गई। मुझसे बोलता है मैचिंग मैचिंग टी शर्ट पहन कर आए हम लोग। भैया जो वाली लेने आई है इसमें ये चीज़ देखो क्या मस्त लग रही है ना, तो ये 100 पेपर ग्लास के साथ अंदर पैक है। ये इंटीरियर भाई की गाड़ी का है, क्या मस्त है ना। ये देखो लाइटिंग वोटिंग भी इसने सब अलग से लगवाई है, क्या मस्त सिस्टम है ना। ये इसमें टीवी है, जो आपने डैश कैम देखे हैं और भी गाड़ियों में, जब आपको मैंने दिखाए थे, इनका डैश कैम यहाँ नहीं है, इन्होंने अपना एसी में इंस्टॉल कर रखा है डैश कैम।
डेफिनेटली कम्स हो गया या ओके थैंक यू। ये मुझे दिया है, कार टाइप का है, बोला कि सामने जाकर इसको चेंज करना है, ये मैं उनको दे दूँगा तो फिर मुझे वो लोग बदले में टिकट दे देंगे। कैशियर हो गया, टाइगर किंगडम, टिकट ये है जो कार्ड आपने दिया है उससे एक्शन के लिए आपको टिकट मिल जाएगा, टिकट है ये। इसे कुछ नहीं है, साल भाई का, उसके बाद देखते हैं यहाँ से है एंट्री शायद, तो यहाँ से अपनी एंट्री करते हैं, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक बार टिकट देना पड़ेगा अपना, ये अपने सिग्नेचर वगैरह करती हैं जो भी इनको अपनी करना है करती हैं फॉर्मेलिटीज़। इसके बाद ये आपको बताएंगे कि यहाँ सब टच नहीं करना है, यहाँ कर सकते हैं आप, यस यस यस, नो नो, मतलब फ्रंट पे मुंह पर और ये अगले पंजों पर नहीं करना है, तो यहाँ आप कर सकते हैं टच। थैंक यू, वेलकम। बाकी यहाँ भी ये रेस्टोरेंट है प्लस बार, बार तो हर जगह ही है यार। चलिए भाई चलते हैं अंदर और अंदर का नज़ारे लेते हैं। अंदर एंट्री करते ही यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और आगे का सीन क्या है वो देखते हैं। अब वो देख सकते हो सामने, ये छोटा सा बच्चा है टाइगर का, उसके साथ सब लोग ये फोटो क्लिक करा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो देखो सामने। भाई अभी यहाँ ऑलरेडी कुछ लोग अंदर भी हैं और ये दो लोग बाहर आए हैं और बाकी तीन लोग ये बैठे हैं, तो दो लोग ये हैं, तो इसके बाद ही हमारा नंबर आएगा। तो अभी आगे यहाँ से बढ़ते हैं और ये सामने देखो भाई चीता, और आगे बढ़ते हैं भाई यार।
एक ये है सोरा शायद। यहाँ से आगे चलते हैं, ये दोनों जो टाइगर हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 24/2017। ये मेल हैं और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 27/11/2017। ये इस वाले से 3 दिन बड़ा है। वाह यार, चलो ये भी एक यूनिक चीज़ है। ये 5 साल का है, कितना बड़ा है यार, फोन में और सामने से बहुत फर्क है यार। भाई यार और ये इनके सर्जरी, ये इनका मेडिकल समझ सकते हो आप, ये इनकी सर्जरी होती है। ये कुछ और प्रॉब्लम हो इनको तब यहाँ लेकर आते हैं। ऐसा एक गाइड अभी बता कर गया है, मैं अंदर था तो मैंने सुना, तो फिर मैंने यहाँ कर देखा तो मैंने कहा इसको भी शूट करते हैं। यहाँ से भी हम लोग आए हैं, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से अंदर आए थे, अब यहाँ से इधर बाहर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये एक टाइगर सामने बैठा है भाई, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/2020, 2 साल का है। ये मेल है, भाई घूर रहा है तो यार। कितना अच्छा बच्चा है, देखो तुरंत आंखें बंद कर लिए, सुनते ही घूर रहा है और लेट गया। अगर एक चीज़ यार ये चीज़ समझ नहीं आई, मतलब बहुत छोटा छोटा इन लोगों ने मैंने रखा है इसके लिए, टाइगरों के लिए ना, इनके चलने फिरने के लिए हर चीज़ के लिए बहुत छोटा इन्होंने कर रखा है हर चीज़ सब कुछ। वो देखो थोड़ी सी आवाज़ होने पर एकदम कैसा लड़ हो गया ना। सो जा बेटा सो जा। शायद जगह जगह ये पैप लगा रखे हैं ना, ये किसने खाना पड़ता होगा ना, अगर नहीं खोलते होंगे तो यहाँ से इनका खाना डाल देते होंगे।
रुक नहीं रहा ना, एक जगह रुक नहीं रहा है। अगर आपका बिग टाइगर का टिकट है तो ये जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं ये सब वेटिंग में बैठे हैं, क्योंकि एक टाइम में तीन चार ही लोग अंदर ले रहे हैं। लोग दो बाहर निकलते हैं तो दो अंदर लेते हैं, तीन निकलते हैं तो तीन अंदर लेते हैं, उस हिसाब से ये लोग अपना करते हैं। तो यहाँ वेटिंग में हम बैठे हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आ पाया हमारा, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। दो नंबर और बोले इन्होंने, दो नंबर बाद आपका नंबर आएगा। भाई कोई जाल नहीं कुछ नहीं, बाप रे बाप। बैठ जा, बड़ा शेर पहली बार देखा है यार, वो मतलब देखा काफ़ी बार है, मतलब सामने से इस तरह यार मेरी फट के हाथ में आ गई थी। भाई ने कहा कि टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ, ये भाई हैं, भाई को हिंदी भी आती है यार बोलना। भाई कहाँ से हो आप, कहाँ से हो आप? काई गला बांग से है। भाई को हिंदी भी आती है, अरे यार सीख गए होंगे, इतने लोग यहाँ पर आते हैं इंडियंस। भाई मज़ा आ गया यार, यहाँ बच्चे लाना अंदर अलाउड नहीं है इनके पास। तो भाई मस्त एकदम यार, भाई ये खड़ा हो गया है और जाने जगह one, ये इनका स्विमिंग पूल है। जा भाई, यू वेट विद मी, ओके विद थिंग मेकिंग ओके।
ये उठ के चल दिया यहाँ से एकदम। तो इन लोगों ने सबको सेट कर दिया है कि मोड़ मोड़ की बात है यार, इंसानों का मूड बदलता है तो फिर भी टाइगर है यार। ये बोल रहा है कि साइड में रहो हमारे साथ में, ये आ रहा है वापस। करबा करबा यहाँ खड़ा कर दिया है एक साइड में। बहुत डेंजर लग रहा है यार एकदम। ओह एक और वहां पर है यार, इनके भी उंगली करना पड़ती है तभी आगे बढ़ते हैं ये भी। हाँ और अब उसका मूड नहीं है अपने साथ पिक्स वगैरह देने का, इसका मूड है इसको लेकर आए हैं मनाकर कि चल भाई तो लोगों के साथ फोटो ले और तू अपना जाकर रेस्ट कर। ये आपको होता है चटचट की आवाज़ आती होगी ये ना, इसमें सब करंट है, इसमें पूरे में करंट दौड़ रहा है, ये जगह जगह चटचट चटचट आवाज़ आ रही है सब में, सब जगह। अरे भाई ऐसे मत घूर यार, वैसे ही फट रही है और फाड़ रहा दिख रहे हो। ओ भाई उठ जा भाई उठ जा, कितना सोएगा। ओए नहीं उठा यार ये भैया, उठ जा देख इंडिया से आए तेरे लिए। उठ जा भैया। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से बाहर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर और गर्मी भी बढ़ गई है। ये लोग तो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं यार, इतना ज़्यादा डरना नहीं है, गाइड साथ में है तो प्रॉब्लम इतनी नहीं है। बाय बाय, ठीक है ब्रो, ओके शुक्रिया। अभी यहाँ से बाहर आएंगे तो यहाँ हाथ धोना कंपलसरी है, ठीक है। कोई भी अगर आता है तो उसको पहले यहाँ पर हाथ धुलवाए जाते हैं। आप जब यहाँ जाएंगे हैंड वॉश करने के लिए, यहाँ आना है आपको हैंड वॉश करने के लिए, ये सामने से निकलेंगे, यहाँ सामने ही ऑब्वियसली जब आप आएंगे तो देख ही लेंगे। यहाँ मैं जब आया तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी कि मैंने इस तरह हाथ किया टच, ये टच भी नहीं है कोई और, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मेरी नज़र यह नीचे पड़ी। तो आप जब इस पर पैर रखेंगे इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली पानी जीत लेगा। ये आपका हैंड वॉश हो गया, ये टिशू हो गए। चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं, यहाँ 2 घंटे हो गए लगे हम लोगों को अभी पूरे, तो यहाँ से हम लोग बाहर चल रहे हैं यार। कुछ खाते पीते हैं, कुछ देखते हैं जाकर। तो
एक्सक्यूज मी, यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं। मैम प्लीज, नो 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 भाई, अभी यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से आप सीधा जा रहे हैं अपनी गाड़ी पर। ये है, ये आप अगर ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। बहुत भीड़ है यार, अंदर तो है ही है, बाहर अभी यहाँ काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाकी कुछ लोग उधर हैं, यहाँ काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। इस तरफ यहाँ का बिल्कुल आज क्या, मुझे तो लगता है कि नॉर्मली यहाँ पर ये रेस्टोरेंट हो गया अपना, स्टाफ यहाँ का बहुत ज़्यादा परेशान रहता होगा यार। अंदर तो सबको इतनी जल्दी हो रही है जाने की, और जो लोग अंदर चले जाते हैं फिर उनको बाहर आने की बहुत जल्दी है, बस किसी तरह अंदर घुस जाएँ उसके बाद फिर बाहर चले जाएँ। हमारे साथ जो कुछ लोग थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। ये भैया तीन दिन हो गए मुझे यहाँ गाड़ी देखते हुए और बैठते हुए। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये एक ही साइड से ओपन होता है इसका डोर, दोनों साइड से ओपन नहीं है, एक ही साइड से ओपन होगा, दो साइड से ओपन नहीं होता है। ये स्पीड पे है ये, अगर आप यहाँ के यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ के बारे में आपको मैं नॉलेज देता हूँ। यहाँ आधा घंटा वेट करना होगा अगर हम यहाँ पे खुल लेते हैं, क्योंकि ये दो लोग हैं, इसके अलावा ये लोग जो अंदर बैठे हैं इनका नंबर है, तो यहाँ आधे से एक घंटा वेट करना पड़ेगा। और इन लोगों ने दो या तीन किलोमीटर के ले रखा है, तो आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। कुछ और भैया ने भी आगे बताया, वहाँ जाकर एक बार देखते हैं। भैया ने तो मना ही किया था जाने के लिए,